good morning students so we will be finishing our uh, remaining part of the chapter we were on page number 96 and before proceeding any further let us just revise the le lesson which we had completed the half lesson okay in this story we have two friends what they are doing is they are talking about the third friend of theirs so the third friend's son was missing and uh, they were trying to now, they were trying to find it, find him where the uh, that little potley has lost. He had not come after uh, it's been uh, four five days, and his father was worried that Otter was worried that my son has not come back, what to do about it? And the uh, water rat had gone to visit them, and he found out that that uh, little potley was missing. Now the mole. And the water rat, they will be going to search little potley. So let us read further. Okay, so we were on page number ninety six, watching and waiting the long night through on the chance. They are saying that otter will be waiting on a ford to look out for his son. That while coming or while. Uh, Moving from there while passing from there, maybe he will be staying there, uh, taking a pause over there and playing for some time. Why he was thinking that? Why Otto had thought, thought that Potley would be waiting over there, or Potley would be, if Potley would be visiting from there, he would surely wait there because little Potley had learned swimming on that place and fishing. His He caught his first fish also on that ford. ओके okay, इसीलिए उसको लग रहा था कि शायद ऑटो को लग रहा था कि लिटिल पॉटली जो है वो जरूर वहां पर आकर रुकेगा आते जाते ऑल राइट रैट सैड मोल आई सिंपली कान गो टू स्लीप एंड डू नथिंग तो रैट ने बोला कि ऐसे ही नहीं हो सकता कि हम खाली सो जाएं जाकर और हमारा दोस्त इतनी मुसीबत में हमें कुछ करना चाहिए इवन दो देजेंट सीम एनीथिंग टू बी डन ऑल हमें लग रहा है कि बहुत कुछ कर नहीं सकते बट फिर भी हमें कुछ तो करना चाहिए ट द बोट आउट एंड पैदल अप स्ट्रीम तो हम वो बोट लेकर जाएंगे और स्ट्रीम के ऊपर की तरफ स्ट्रीम इज नदी नदी के ऊपर की तरफ जाएंगे और लिटिल पॉटली को ढूंढेंगे द मून विल बी अप इन एंड आर और सो एंड देन वी विल सर्च एज वेल एज वी कैन तो मून की रोशनी में काफ़ी दिखाई देगा उनको तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम मून की रोशनी में ढूंढ लेंगे और एक घंटे में मून निकलने वाला ही है तो उसकी रोशनी में हम पोटली को ढूंढ सकते हैं एनी हाउ इट विल बी बेटर देन गोइंग टू बेड एंड डूइंग नथिंग एनी हाउ ये अच्छा होगा कि अगर हम करें इससे अच्छा बिस्तर में जाकर खाली सोने से अच्छा है कि कुछ तो करना चाहिए हमें जस्ट वॉट आई वॉज थिंकिंग माई सेल्फ सेट द रैट तो रैड ने बोला कि मैं भी यही सोच रहा हूं मोल को कि हमें कुछ ना कुछ तो अपने दोस्त के लिए करना चाहिए इट्स नॉट दॉट ऑफ नाइट फॉर बेड एनी हाउ एंड दे ब्रेक इज नॉट सोफा ऑफ और दिन निकलने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं है एंड देन वी कैन पिक अपूज ऑफ हिम फ्रॉम अर्ली राइज एज वी गो अलॉन्ग और हम लोग जरूर हमें कुछ ना कुछ न्यूज मिलेगी जो सुबह जल्दी उठने वाले पशु, पशु पक्षी हैं उनसे और जो छोटे मोटे जानवर हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं हम सुबह उठते हैं तो हम पक्षियों की आवाज सुनते हैं तो वो सब अर्ली राइजर्स हैं और उन्होंने डेफिनेटली पोटली को आते जाते या कहीं पर देखा होगा या लास्ट टाइम कहीं देखा होगा तो कुछ न्यूज तो उनसे इन्हें मिल सकेगी ओके गोट द बोट आउट एंड टूक निकाली एंड टू दप्पू तो बोट चलाने के लिए जो चप्पू चाहिए उन्होंने वो भी निकाले रोइंगली अब वो धीरे धीरे बोट को आगे बढ़ा रहे हैं आउट इन मिड स्ट्रीम मिड स्ट्रीम इज पानी के बीच में दे वॉज अ क्लियर नेरो ट्रैक दट फेंटली रिफ्लेक्टेड द स्काई ने थोड़ा आगे धीरे धीरे जब वो बढ़ रहे थे तो नदी थोड़ी आ, कम हो रही थी, भीड़ी हो रही थी मतलब इन दैट एरिया और उन्हें स्काई की इमेज उस पानी में थोड़ी फीकी नजर आ रही थी वाई बिकॉज इट वॉज नाइट टाइम एंड द मून वॉज नॉट एट ओवरकम फुली तो मून अभी पूरा तरीके से आके चमक नहीं रहा था इसलिए रोशनी थोड़ी कम थी बट वेर एवर शेडो फेल ऑन द वॉटर फ्रॉम बैंक बुश और ट्री वो एज सॉलिड इन अपेयरेंस एज द बैंक दम सेल्फ लेकिन जो किनारे की पानी के अंदर झलक आ रही थी वो बिल्कुल क्लियर आ रही थी एंड द मोल हैड टू स्टियर कॉशियसली तो मोल को बहुत ध्यान से चप्पू चलाना पड़ रहा था इसीलिए टाइंग द बोट टू अ ब्रांच द फ्रेंड्स लैंडेड इन द साइलेंट एंड सिल्वर किंगडम तो उन्होंने अपनी बोट को एक ब्रांच के साथ बांध दिया एंड दे लैंडेड इन टू साइलेंट एंड सिल्वर किंगडम साइलेंट वाई वाई इट इज सेट साइलेंट बिकॉज इट वॉज नाइट टाइम और सभी जानवर सो जाते हैं अपने अपने चिड़िया और सभी पशु पक्षी जो अपने घोंसलों में अपने घर में छुप जाते हैं सिल्वर किंगडम बिकॉज चंद्रमा की रोशनी से एवरीथिंग थिंग लाइक अपियड शाइनिंग लाइक इन सिल्वर लाइट एंड पेशेंटली एक्सप्लोरेड देश उन्होंने किनारे के ऊपर जो पेड़ पौधे उग जाते हैं छोटे मोटे झाड़ियाँ उगती हैं उनको उन्होंने ढूंढना चालू किया एंड द हॉलो ट्रीज होलो ट्री इज वॉट पानी नदियों के किनारे जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं वो पानी ज्यादा पानी की वजह से खोखले हो जाते हैं और उन्ही को हॉलो ट्रीज बोला है दिचिस इज गड्डे एंड ड्राई वाटर वेज पानी के सूखे हुए रस जो वहाँ निशान बने हुए थे रास्ते वहाँ पर उन लोगों ने उसको बहुत ही धैर्य के साथ सब्र के साथ ढूंढना स्टार्ट किया दे वॉक दे वे अप द स्ट्रीम इन दिस मैनर वाइल द मून डिड वॉट शी कुड दो सो फा ऑफ टू हेल्प दैम इन दियर सर्च वो ढूंढ रहे हैं अब अपने दोस्त के बेटे को पोटली को यहाँ वहाँ पेड़ पौधों में और हर जगह पे उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वाइल्ड मून वॉज ऑल्सो हेल्पिंग मून हेल्प बहुत दूर था ऊपर ढूंढ तो नहीं सकता है वो लेकिन अपनी रोशनी से उसने इन दोनों की मदद की अब इनके पॉटली को छोटे पॉटली को ढूंढने में ओके okay? टिल और जब चंद्रमा के डूबने का समय आया और वो अस्त हो गया ओके रिलकटेंटली एंड लेफ्ट स्लोली दैट मून लेफ्ट द फील्ड्स एंड रिवर वंस अगेन हेल्ड इन डार्कनेस अब फिर मून के बाद फिर से अंधेरा हो गया बिकॉज मून के जाने में और सूर्य के उगने में जो टाइम होता है दैट इज ऑल्सो अ लिटिल डार्कअ ओके देन अ चेंज बिगेन टू स्लोली क्रीप इन टू द वर्ल्ड और धीरे धीरे फिर धरती पर जो इस दुनिया में जो है चेंज होने लगा चेंज वॉज दैट रोशनी जो सूर्य की रोशनी है उससे फिर से वो जो चेंज नजर आ रहा था होराइजन सेराइजन इज वेन हम जब भी हम दूर देखते हैं हमें धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं दैट इज कॉल्ड होराइजन ऑल राइट सो द होराइजन

तो हल्की हवा चल रही थी और पेड़ पौधे हिल रहे थे बलरशीज़ अ वॉट पर्टिकुलर काइंड ऑफ बुशेस जो पानी के किनारे उगती हैं और वो इधर उधर हिल रही हैं हवा से क्योंकि हल्की हवा चल रही थी इन साइलेंस दे स्टीडली एंड सोन दे केम टू अट द रिवर डिवाइडेड अ लॉन्ग द रिवर डिवाइडेड अ लॉन्ग बैक वाटर ब्रांचिंग ऑफ टू वन साइड नाउ uh, जब भी बड़ी नदी होती है तो उस बड़ी नदी के पास हमेशा बैक वाटर बन जाता है वॉट इज बैक वाटर पानी एक तरफ जाता है और उसका हल्का थोड़ा बहुत पानी जो एक एरिया में इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं बैक वाटर इफ यू विल ट्राई टू सर्च इट यू विल सर्च इट यू विल गेट पिक्चर ऑफ दिस बैक वाटर इन ऑन गूगल ऑल राइट इन साइलेंस दे स्टीडली And soon they came to a point where the river divided along backwater, branching off to one side. Now the river was divided into two parts. Uh, one, one is the backwater and one is the mainstream. With a slight movement, apna and directed Mole to the backwater. Now rat Mole ko we should go backwater. Ki so take the boat to the backwater.

मेड ब्यूटीफुल और मेड मोर अट्रैक्टिव जिसको हम और ज्यादा लाइक करते हैं मेड मोर ब्यूटीफुल द वाटर एज अब उस रोशनी से और जो पेड़ पौधे नजर आ रहे थे सुंदर फूल नजर आ रहे हैं वो और सुंदर दिख रहे हैं वहाँ पे ऑन ई द साइड ऑफ दैम एज दे फ्लोटेड ऑनवर्ड द रिच मिडो ग्रास वॉज फ्रेश एंड ग्रीन एज नवर बिफोर मिडो ग्रासिस जो किनारों के ऊपर और अंदर जो पानी के थोड़ी पानी के अंदर और थोड़ी पानी के बाहर जो घास उगती है उसको मिडो ग्रास बोलते हैं वो इतनी सुंदर दिख रही थी इज दैट इट नेवर सीन बिफोर नेवर हैड दे नोटिस द रोजेज सो ब्राइट तो जो रोजेज वहाँ उगे हुए हैं वो भी इतने सुंदर लग रहे हैं वो उनको पहले इतने सुंदर कभी नजर नहीं आए हैं जितने उन्हें वो अब प्यारे दिख रहे हैं द विलो हब सो ग्रीन विलो इज ऑल्सो जंगल में उगने वाले ये जंगली जड़ी बूटियां और ये जो छोटे मोटे घास फूस उगते हैं इनमें से एक हैब सो ग्रीन इतना ग्रीन विलो हर्ब भी कभी उन्होंने नहीं देखा दैट मिडो स्वीट सो फ्रेगनेंट तो उनकी खुशबू और इतनी ताजी खुशबू उनकी सुबह सुबह उनको लोगों को अब ज्यादा फील हो रही थी जो उन्होंने पहले कभी मे बी नोटिस नहीं किया था देन द मर्म ऑफ द अप्रोचिंग डैम बिगेन नाउ द मफ द अप्रोचिंग डैम बिगैन अब जैसे ही उनका पानी नदी में वो जा रहे हैं बोट आगे जा रही है तो उनके जो वहाँ पर एक वॉटरफॉल आ रहा था बहुत बड़ा और उस पानी के गिरने की आवाज उनको थोड़ी थोड़ी सुना रही सुनाई दे रही थी मर डैम ममर इज वेरी स्लाइट वेरी सॉफ्ट साउंड ऑफ दैट अप्रोचिंग डैम वो डैम नजदीक आ रहा है बिगैन टेक होल्ड ऑफ द एयर अब जब सडनली uh, आप पानी में नदी में जा रहे हो और आपको मालूम है कि पानी में एक बहुत बड़ा वाटरफॉल या एक डैम आने वाली है तो उन लोगों को वो हवा का प्रेशर भी फील हो रहा था ओके एंड दे रियलाइज दैट दे वर नियर द एंड ऑफ दे एक्सपीडिशन अब उन लोगों को रियलाइज हुआ कि वो एक्सपीडिशन इज सर्च ऑफ समथिंग किसी चीज को डिस्कवर करने के लिए उन्होंने जो जर्नी की इतनी बड़ी उसको बोलते हैं एक्सपीडिशन नाउ दे रियलाइज दैट दे आर नियर टू द एंड ऑफ दियर एक्सपीडिशन उन्हें लगा कि अब उनकी जो यात्रा है वो समाप्त तो होने ही वाली है स्लोली बट विद नो डाउट और हेजिटेशन व्हाट्स एवर द टू एनिमल पास थ्रू द वॉटर एंड मूव देर वो बोट एट द फ्लोरी मार्जिन ऑफ द आयलैंड अब उन्होंने धीरे से अपनी जो बोट को है वहाँ से निकल कर नीचे वहां पर बांध दिया फ्लोरी फ्लोरी मार्जिन जहां पर बहुत सारे फूल उगे हुए थे एक आइलैंड बीच में एक जगह होगी उस रिवर के जहां पर थोड़ा सा पीस ऑफ लैंड वहां पर होगा एंड दे टाइड देयर बोट ओवर विदाउट एनी हेजिटेशन अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं आगे जा रहे हैं मूड इज वॉट उन्होंने बोट को और फास्ट किया जब उन्हें वो नजर आया वो लैंड पीस ऑफ लैंड नजर आया सो so दैट वो पानी में न गिर जाए और उसके बाद स्लोली वो वाटर को अपने बोट को वहाँ बांध कर और आगे जाने लगे ऑन द पीस ऑफ लैंड इन द साइलेंस दे ब्लॉसम एंड सेंटेड अंडर ग्रोथ दैट लेड टू द लेवल ग्राउंड टिल द स्टूड ऑन द लिटल लॉन ऑफ मार्वल ग्रीन सेट राउंड विद नेचर्स ओन ऑर्चिड ट्रीज एप्पल वाइल्ड चेयरी एंड स्लो दिस इज स्लो स्लो इज वॉट इट इज सर्टन काइंड ऑफ ब्लैक कलर थॉर्न्स तो ये वहीं उगते हैं नदी के किनारे और कुछ पानी में इस तरीके से उगने वाले जंगली ये जड़ी बूटियों जैसे छोटे छोटे पौधे थे ऑर्चिड ऑल्सो इज अ सर्टन काइंड ऑफ ट्री ये बहुत अच्छा फ्लावर है इसका फ्लावर्स इसके बहुत अच्छे होते हैं और पूरे उस एरिया में ये खुशबू वहाँ फैली हुई थी सेंटेड इट्सल अंडर ग्रोथ मतलब पानी के अंदर भी जो घास उगी हुई है दैट इज़ ऑल्सो लुकिंग सो ब्यूटिफुल दैट होल सीन वॉज वेरी ब्यूटिफुल दिस इज़ द राइट सॉर्ट ऑफ प्लेस हियर इफ एनी वे वी शुड फाइंड हिम सेट द रैट यही सही जगह है यही वो जगह है अगर वो हमें कहीं मिलेगा तो वो यहीं हमें मिलेगा ये किसने बोला वाटर रैट ने बोला एंड लुक लिटिल फेलो और देखो वहां वो है छोटा बच्चा he sang, वो जो जिसको ढूंढने के लिए आए थे उनको पॉटली नजर आता है क्राई ऑफ डिलइट रैट रन टूवर्ड अ क्लस्टर ऑफ फ्लार विद इन विच ले द लिटिल राउंड चबी फॉर्म ऑफ द बेबी ऑट अउंडली एंड पीसफुली असली नाउ रैट को जब वो दिखा तो ही वो सो चिअर्ड आप ही वो इतना खुश हुआ क्राइव ऑफ डिलईट मीन उसको इतना वो उत्साहपूर्ण और खुशी से उसकी तरफ दौड़ता है कहाँ पर इनको मिला वो छोटा बेबी औट पोटली कहाँ मिला उनको फूलों का एक गुच्छा था बंच बना हुआ था उसके अंदर वो बहुत आराम से सोया हुआ है साउंड असली पीसफुली शांति से और बिल्कुल आराम से वो सोया हुआ है पोटली वो कप विद है पोटली अब जल्दी से खुश होकर जगता है जब उसको आवाज़ आती है इनके आने की और वो खुश इतना खुशी से चहकता है एंड रिगल्ड विद प्लेजर एट द साइट ऑफ इज फादर्स फ्रेंड वो रिगल्ड ही टर्न्ड विद अ क्विक मोमेंट बहुत जल्दी से उनकी तरफ दौड़ता है जब वो देखता है कि मेरे पापा के फ्रेंड्स आए हुए हैं यहाँ पर उसको मालूम तो चल, चल, गया था कि मुझे ढूंढने आए हैं इसलिए वो और भी खुश था हु प्लेड विद हिम सो ऑफन इन पास डेज तो पिछले दिनों में ये बहुत खेलता होगा उन लोगों के साथ और अच्छे से जानता है वो अपने फादर के फ्रेंड्स को द टू एनिमल्स लेट पोटली टू द वॉटर साइड अब वो दोनों जो वाटर uh, रैट है और मोल है वो पोटली को लेकर पानी के एक तरफ जाते हैं प्लेसड हिम सेफली बिटवीन दैम इन द बॉटम ऑफ द बोट उसको अच्छे से प्यार से बोट के बीच में बो, बोट के बॉटम बोट पर रखते हैं एंड पैदल ऑफ डाउन द बैक वॉटर अब वो फिर वापस अपने उस रास्ते पे जाते हैं बैक वाटर से होते हुए कहाँ जाने के लिए अपने घर वापस जाने के लिए द सी अपट ऑन दम सूर्य अब तक पूरी तरह से ऊपर आ गया था और बहुत तेज गर्मी बरसा रहा था बर्ड सेंग एंथिकली अब पक्षी जो हैं वो गाना गा रहे थे अपना बड़ी चहचहाहट कर रहे थे एंड फ्लावर्स Smiled and nodded from the bank. तो नदी के किनारे से उनको फूल भी दिख रहे हैं इधर उधर हिलते हुए हवा में लहराते हुए तो जो अब उनको ये जो सारा नज़ारा बहुत और भी अच्छा लग रहा था वाई बिकॉज उन्होंने पोटली को ढूंढने के लिए वो निकले थे और उनको पोटली मिल गया था वैन दे रीच द मेन रिवर दे टर्न दोट्स हेड अप स्ट्रीम जब वो मेन रिवर में वापस पहुंचते हैं बैक वाटर से निकलकर तो वो बोट का जो हेड है वो स्ट्रेट कर लेते हैं नदी में जहाँ मेन रास्ते पर जहाँ वो वापस आए थे टुवर्ड द फोर्ड अब उन्होंने फोर्ड की तरफ उसको टर्न कर लिया वे दे न्यू देअर फ्रेंड वॉज कीपिंग हिज लोनली वॉच अब उन्हें मालूम है कि उसी रास्ते पर जो ऑटर है पॉटली के जो पापा हैं वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं आप कि कहीं दिखेगा या और ढूंढ रहे हैं वो पॉटली को

जहाँ पर पोटली भी खेलता था ऑटर अपने बच्चों को वहाँ खेलना नहाना और तैरना ये सब सिखाता था मछलियाँ पकड़ना तो ये जगह उनके लिए बहुत फैमिलियर जगह थी इन्होंने आकर पॉटली को धीरे से जमीन पर उस पानी के अंदर रखा और जहाँ पर पानी बहुत कम था मींस दैट उसमें जो पोटली है वो डूबेगा नहीं बट ही कुड स्टैंड ऑन हिज लेग्स नाउ उन्होंने उसको छोड़ा उसकी पीठ थोड़े से थपथपाई और उसको

तेजी से भागना स्टार्ट नहीं किया उसने और अपने पापा को जाके खुशी से वो उसने पकड़ लिया रिगल अगेनली टर्ड वेरी क्विकली वेरी हैप्पीली लुकिंग फ्रॉम द रिवर दे सी ऑटर अब ऑटर बहुत खुश हो गया अपने बेटे को वापस आया देखकर और वो खुशी से उछलता ही जम्प टेंस एंड रिजिड वो बहुत टेंस था पहले और रिजिड मीन्स जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और यू आर सो मच इन टू टेंशन तो ही वॉज वेरी मच टेंड फ्रॉम आउट ऑफ द शेलो वे ही वॉज क्राउड इन साइलेंट पेशेंट एंड गुड हीयर हिज अमेज एंड जॉयस बाग एज ही बाउंडेड अप द पाथ अब उनकी चहचहट उनका खुशी से बोलना उसको सुन रहा था बिकॉज ही फाउंड ही सन नाउ मोल विद्रग पुल ऑन वन ओ स्व द बोट अराउंड तो मोल ने अब स्ट्रग पुल से चप्पू को घुमाया जब तो बोट जो पूरी स्विंग कर गई एंड स्विंग द बोट अराउंड एंड लेट द फुल स्ट्रीम बेदम अब उन्होंने जो पूरे तेज पानी में उस बोट को मोड़ दिया था डाउन अगेन वेर एवर इट वुड नाउ वी आर ऑन द लास्ट पेज पेज नंबर नाइनटी एट Down again wherever it would, their quest has now happily ended. Quest is किसी चीज़ को जानने की इच्छा किसी चीज़ के लिए आ, हमारा उत्साह किसी चीज़ के लिए जो हम खोज करते हैं वो एंड हो गई थी अब आई फील स्ट्रेंजली टायड अब वो बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रहा है rat. saying I'm very वेरी मच टायर्ड the मोल मोल ने rat से कहा कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ सेम वे दैट इज ऑल्सो फीलिंग वेरी मच टायर्ड लीनिंग वेरली ओवर हिज ओर एज द बोट ड्रिफ्टेड नाउ ही उसने आराम से अपने जो ओर्स को ड्रिफ्ट किया मीन्स ही रिमूव देम इट्स बींग अप ऑल नाइट यू यूल से तो हम पूरी रात जागे हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं हम पूरी रात जागे हैं बट दैट्स नथिंग लेकिन जो जिस चीज के बदले में उन्होंने ये किया देखो उन्होंने पॉटली को ढूंढा पूरी रात जागे मेहनत किया यहाँ वहां ढूंढा तो वो पोटली मिल गया इसलिए उनको वो मेहनत लग रहा है कि हमने कुछ भी नहीं किया ऐसा इट्स वेरी गुड दैट एटलीस्ट हमारी जो मेहनत थी वो सफल हो गई ही सेंग इट्स नथिंग वी डू एज मच हाफ द नाइट्स ऑफ द वीक एट दिस टाइम ऑफ द ईयर नो आई फील एज इफ आई बीन थ्रू समथिंग वेरी एक्साइटिंग but frightening and it was just over and yet nothing particular has happened. now they are talking to each other that this night was very much exciting and frightening. it was not easy but it was exciting also. they are thanking that at least and finally they could find the pot

तो ही, वो बहुत खुश होता है दैट रैट वॉज ऑलरेडी अ स्लीप बिकॉज उन्होंने पूरी रात जागे यहाँ वहां घूम कर मेहनत की की तो उनको उनका फल भी मिल गया बट द रैट वॉज सो मच टायर्ड दैट ही वॉज ऑलरेडी अ स्लीप वेन ही केम बैक ओके सो विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर आई विल बी सेंडिंग यू द वर्ड मीनिंग्स द क्वेश्चन आंसर्स एंड द बुक वर्क विद द आंसकीस सो यू प्लीज कंप्लीट ऑल योर नोटबुक्स आई विल बी आस्किंग फॉर योर नोटबुक्स The picture of your notebooks, and I don't want any notebook incomplete minded children. You should complete your notebooks and make a new copy from chapter number 6. I want a new copy, okay? So, thank you and have a nice day ahead.